एक बार एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो बोझा ढोने में उसकी मदद करता था। वो अपने गधे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था और अक्सर पेट भर खाना भी नहीं देता था उसको। बेचारा गधा बहुत दुखी और कमजोर हो गया था। एक दिन धोबी जब नदी पर अपने कपड़े धोने गया, गधा किनारे पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक गीदड़ निकला। उस गीदड़ ने दुखी गधे से कहा, अरे प्यारे गधा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है और पीटता रहता है, वो रहा। वो जल्द ही वापस आएगा और ढेर सारे कपड़े मुझ पर ला देगा। अरे बेचारा गधा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अच्छा खाना ढूंढना भी सिखाऊंगा। सच में सब लोगों के बगीचे में हम दोनों के लिए बहुत सारा भोजन है। ये कहते हुए गीदड़ ने गधे की रस्सी खोली और दोनों वहाँ से भाग गए। कुछ समय के बाद गधा और गीदड़ किसी दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ उन्हें गोभी और गाजर से भरा हुआ एक खेत दिखाई दिया। वाह, वो तो देखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम कैसे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। कितनी प्यारी और सुहानी रात है, मेरा दिल गीत गाने के लिए बेकरार हो रहा है। अगर हम शोर मचाएंगे तो मालिक हमें पकड़ लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आजाद हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। किसी और के आदेशों का पालन करने के लिए मैं अपने घर से नहीं भागा था, यहाँ तक कि तुम्हारे भी नहीं। गीदड़ को गधे पर दया आ गई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मेरे भाग जाने से पहले तुम गाना मत शुरू करना। ठीक है, फिर मिलेंगे। गीदड़ भागकर झाड़ी के पीछे छिप गया। जब गीदड़ आँखों से ओझल हो गया तो उसने रेंकना शुरू कर दिया। उस खेत के मालिक ने घर से बाहर निकलकर गधे को खूब पीटा। मेरी गाजर खाता है, ये ले और ले और ले, ये ले दोस्त गधे। अरे, जब गधा बेहोश हो गया, उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसे मत मारो, हम उस पर अपने बर्तन लादकर रोज बाजार जा सकते हैं। तो पति बोला, ये अच्छा ख्याल है, और उसने उसके बाद बेहोश गधे के गले पर फंदा बांध दिया और वो बेचारा दोबारा गुलाम बन गया। शिक्षा: बेवकूफी का कोई भी इलाज नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान पुजारी रहता था। उसको वहां के सब लोग जानते थे और दूर दूर से गांव के लोग उनको अपने घर
पूजा के लिए आमंत्रित करते थे। वो एक अच्छे पुजारी थे, पर वो थोड़े घमंडी थे। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर क्या इस गांव में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान और होशियार हो? हाँ? मुझे तो नहीं लगता। एक दिन पुजारी को नदी पार करके दूसरे गांव जाना था। उनको बहुत सारे लोगों के यहाँ पूजा करनी थी। जैसे ही नाव आगे बढ़ने लगी, उसने अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मेरे प्यारे गांव वालों, तुम लोग भाग्यवान हो कि तुम्हें मेरे साथ सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुनो नाव वाले। पुजारी ने नाविक से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कितने पुराण होते हैं? नहीं महाराज। ओ, दुख की बात है। ये तो बताओ कि वेदों में कितने अध्याय होते हैं? नहीं महाराज। ओ, फिर तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मुझे तो ये सभी के सभी जुबानी याद हैं। कोई भी ज्ञान मुझसे अछूता नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ सरस्वती ने इस काम के लिए सिर्फ मुझे चुना है। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो नाविक, कि मेरी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तुम्हें गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज। पुजारी ने नाविक को काफी देर तक परेशान किया। कुछ समय बाद तेज हवाएं चलने लगी, घने बादल छा गए, नाव तेजी से डगमगाने लगी। नाव को बचाने की कई कोशिशों के बाद नाविक चिल्लाने लगा, सब लोग नाव से कूद जाओ, तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है, मैं नाव को दूसरी ओर नहीं ले जा सकता हूँ, किनारा अधिक दूर नहीं है, हम सब वहाँ तक तैर सकते हैं। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता, जो मुझ जैसे साधारण आदमी को आता है? ओ, कृपा करके मेरी मदद करो। नहीं कर सकता, हम सबको अपनी मदद स्वयं करनी है। मैं तुम्हारे लिए तैर नहीं सकता, क्या आपके वेदों में इसके लिए कोई जवाब नहीं है? पुजारी डर से कांपने लगा। अगर आप तैर नहीं सकते तो क्यों है बहती नदी के बीचों बीच? तो आपकी जिंदगी एकदम बेकार है। ये कहते हुए सभी लोग नाव से कूद पड़े और धीरे धीरे किनारे पहुंच गए, और केवल वो अभिमानी पुजारी पानी में छटपटाता रह गया। वो अपनी झूठी शान में मारा गया। शिक्षा, हर इंसान में गुण अवश्य होता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास काफी संपत्ति थी, क्योंकि उसने बहुत सालों तक खूब मेहनत किया था। ओ,
उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, पर वो बहुत दुखी था। क्योंकि उसके बेटे बहुत आलसी थे, न तो वो उसकी कोई मदद ही करते थे और सारा दिन वो सोते ही रहते थे। और अपना समय फालतू के खेलों में बर्बाद किया करते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसके बेटों ने डॉक्टर को बुलाया। मुझे अफसोस है कि आप बहुत बीमार हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा दिन तक जिंदा ही ना रहें। अगर आपके मन में कोई भी आखिरी इच्छा बाकी हो तो जितनी जल्दी हो आप उसे पूरा कर लें। वैसे तो आलसी बेटे कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अपने पिताजी को बहुत प्यार करते थे। और डॉक्टर के जाने के बाद वे सभी रोने लगे। ओ पिताजी, हम आपके बिना क्या करेंगे। हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारा ध्यान कौन रखेगा। अपने बेटों को दुखी देखकर किसान का दिल पिघल गया। चिंता मत करो बच्चों, मैं स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जिससे कि तुम कभी भूखे न रहो, मैंने खेत में सारा धन गाड़ दिया है। जब वो तुम्हें मिले तो तुम लोग बाजार जाकर उसे बेच देना। वो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काम आएगी। कुछ ही समय के बाद किसान की मौत हो गई। कुछ दिनों तक दुखी बेटे दुख के मारे कोई काम नहीं कर पाए, पर फिर उन्हें लगा कि भोजन के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें पिताजी का धन ढूंढना ही होगा। तिजोरी का पैसा अधिक दिन नहीं चलने वाला। तुम ठीक कहते हो, हमें ढूंढना चाहिए। पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। उनके पिताजी के दोस्त ने कहा, आखिर तुमने खेत जोत ही दिया है तो क्यों ना बीज भी डाल दो। बेटे तैयार हो गए। खेत बुआई करके उन्होंने इंतजार किया। उस साल
मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन बेटे जब सोकर उठे, उन्होंने हवा में लहलाती हुई अपनी फसल देखी। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने बोला, यही वो खजाना है जिसे पिताजी चाहते थे हम ढूंढें। अगर हम काम करेंगे तो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। और उस दिन के बाद से उन बेटों ने जीतोड़ मेहनत शुरू कर दी। शिक्षा, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम थे नेकी राम और फेकू राम। नेकी राम बहुत ही नम्र और दयालु था, जबकि फेकू राम बहुत ही मतलबी और झूठा था। एक दिन दोनों दोस्त पैसा कमाने शहर निकले। उन लोगों ने बहुत मेहनत की। कम समय में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। जैसे ही वो गांव जाने के लिए निकले, फेकू राम के मन में एक विचार आया। क्यों ना हम अपना धन इस पेड़ के खोखले में छुपा दें? और जब हम दोनों सुबह लौटेंगे तो सारा धन अपने साथ ले जाएंगे। नेकी राम तैयार हो गए। और दोनों अपना सामान छिपाकर गांव की ओर निकल पड़े। फेकू राम आधी रात को जंगल पहुंचे और सारा धन चुरा लिया। जब दोनों दोस्त धन लेने जंगल पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तुमने मेरा पैसा चुराया है। पर मेरे पास नहीं है, मेरा पैसा भी चोरी हो गया है। नेकी राम ने चोरी से इनकार किया, पर फेकू राम उसे सरपंच के पास ले गया और बोला, ये चोर है। मेरी मदद कीजिए, हमने धन जो छुपा रखा था वो इसने चुरा लिया है। तुम ये कैसे कह सकते हो? मेरे पास इसका सिर्फ एक सबूत है। और वो कौन है? वो देवदूत जो उस पेड़ में रहते हैं। हमें उनसे पूछना चाहिए। सब लोग पेड़ के पास पहुंचे और फेकू राम जोर से बोला, ओ इस पेड़ में रहने वाले देवदूत, कृपया बताइए कल रात क्या हुआ था। नेकी राम कल रात यहाँ आया था और सारा धन जो यहाँ रखा था चुरा कर ले गया। नेकी राम भौचक्का रह गया और बोला, अरे बेवकूफ पेड़, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। ये कहते हुए नेकी राम ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पेड़ के चारों तरफ बिछा दिया और उनमें आग लगा दी। कुछ ही देर में फेकू राम के पिताजी चीखते हुए वहां से बाहर निकले। हे भगवान, मेरी मदद करो। गांव के सरपंच ने उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे ने मुझे यहाँ छुपने को कहा और कहा कि कहना कि नेकी राम सारा धन चुरा कर ले गया। दरअसल धन मेरे बेटे फेकू राम ने चुराया है। सरपंच ने फेकू राम को सजा दी और नेकी राम को धन लौटा दिया। शिक्षा, सत्य की हमेशा जीत होती है।